हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी? जी हाँ, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं भाई। अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, जी हाँ, प्रधानमंत्री अन्न योजना का फ़ायदा आप उठा रहे हैं, यानी कि आप फ्री राशन ले रहे हैं। वीडियो का अंत तक देख लीजिएगा भाई, सरकार ने आपकी कर दी है बल्ले बल्ले। जी हाँ, 14 अप्रैल से जी हाँ अब आपको राशन दिया जाएगा। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, आपको अब 3 बार राशन दिया जाएगा। सरकार ने आप सभी के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन जारी की है। वहीं किन किन को ये राशन मिलेगा, यानी कि 3 बार राशन मिलेगा और किन किन परिवार को मिलेगा, इसकी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वहीं गेहूँ आपको कितना मिलेगा ये भी आपको बताएंगे भाई। काफ़ी सारे राज्यों में जी हाँ गेहूँ बंद कर दिया गया था, काफ़ी सारे राज्यों में ज़्यादा चावल दिया जा रहा था, लेकिन आपको मैं बता दूं, अब गेहूँ का सीजन आ चुका है, गेहूँ सरकार के पास आना स्टार्ट हो चुका है, मंडियों में गेहूँ आ चुका है ज़्यादा। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, अब सरकार आपको 3 बार राशन देने की योजना बना रही है, यानी कि 1 महीने में अब आपको 3 बार राशन दिया जाएगा। पहले आपको 2 बार राशन दिया जाता था काफ़ी सारे राज्यों में, एक केंद्र सरकार देती थी, एक राज्य सरकार देती थी, अब आपको 3 बार राशन दिया जाएगा। जी हाँ, तीसरा जो राशन होगा उसमें आपको 5 किलो की किट अलग से दी जाएगी। जी हाँ, उसमें आपको तेल, चीनी, नमक, धनिया, हल्दी, मिर्च, जी हाँ, और मसाले, ये आपको एक पूरा पैकेट दिया जाएगा, ताकि आपकी रसोई से किसी भी प्रकार का एक भी मसाला गायब न हो, क्योंकि गरीब परिवारों की पहुंच से मसाले भी गायब हो रहे थे भाई। ठीक है, और बहुत बड़ा फैसला लिया है, 14 अप्रैल से आपको राशन देना स्टार्ट कर दिया जाएगा और गेहूँ आपको ज़्यादा मिलेगा भाई, चावल से ज़्यादा अब आपको गेहूँ दिया जाएगा। वहीं आपको कई राज्यों में बाजरा दिया जाता था, बाजरा बंद कर दिया जाएगा, अब आपको गेहूँ ही दिया जाएगा भाई। बहुत बड़ी खबर थी भाई, उम्मीद करूँगा वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।